दिसंबर की आज 6 तारीख है और रेन लिली ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं खिलते हुए। तो ये मैंने कल वाले वीडियो में भी बताए थे, तो आज भी खिल रहे हैं, तो मैंने कहा चलो आज भी दिखा देती हूँ। नमस्कार जी, मैं मंजू। कल जो मैं प्याज लगाने वाली थी ग्रीन्स के लिए, तो अभी मैं उन्हें ग्रो करूँगी, तो मैंने बास्केट खूब सारी जो खाली कर रखी हुई हैं, तो खाली करके ये मैंने एक साइड में रख दिए थे कुछ इस तरह से, तो उन सब में मैंने ग्रो करना है। तो ये अपने आप ही, ये जो नीचे प्लांट्स लगाए थे तो हरे भरे ये रह रहे हैं, ये देखिए कितना टाइम हो गया है, तो इन्हीं में ही मैं ग्रो करूँगी। ये डिब्बे वगैरह सब खाली हैं, सब में कुछ ना कुछ मुझे ट्रांसप्लांट करना है, लगाना है। तो मेरे कई जो भाई बहन हैं जो प्याज के जो ग्रीन्स, उन्होंने अनियन पहले ग्रो करना शुरू कर दिए होंगे, तो जैसे ही मौसम में ठंडक आने लगती है, या फिर ये देखें जब आप घर में प्याज लेके आते हैं और उन पे जो लूंगे बनना शुरू हो जाते हैं, ये फूल देखिए कितना सुंदर लग रहा है हिबिस्कस का, तो उन पे लूंगे आना शुरू हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि वो लगने के लिए तैयार हैं। ये डबल वाला देसी ये भी खिल रहे हैं, तो आजकल इनकी लाइफ जो है 2.5 दिन तक की होती है, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी लाइफ जो ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। एक ये भी हिबिस्कस खिल रहा है। तो मेरे पास करने को अभी ढेर सारा काम है, क्योंकि लंबे टाइम से जो मैं यहाँ नहीं थी और पेंडिंग काम जो पड़ा है, तो मैं आराम आराम से अपना कर रही हूँ बाकी घर के काम के साथ साथ। बस सुबह ही जो है मैं गार्डन का काम भी करना पसंद करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि प्याज आपने एक बारी लगाई है तो बस वो ही होनी है, तो आप जब तक ठंडक बनी हुई है, मौसम ठंडा है, तो आप कुछ कुछ दिनों बाद कुछ कुछ जो बास्केट इसकी तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं 2 बास्केट तैयार करूँगी और 2-4 दिन के बाद मैं फिर एक दो ऐसे करके तैयार करूँगी। तो ये इस तरह से ये मेरी बास्केट हैं, ये 15-20 रुपये की आ जाती हैं, और लास्ट ईयर भी आपने मेरे गार्डन में देखे होंगे खूब सारे इनमें जो प्याज लगे थे, ग्रीन्स लगे थे, जिनको पुक्के कहा जाता है पंजाबी में, तो वो आप एक बारी हार्वेस्ट करेंगे तो एक बारी में, तो पहली बारी में तो बहुत ही बढ़िया रहती हैं, और दूसरी बारी भी आप ग्रीन्स उनके हार्वेस्ट करेंगे, और थर्ड टाइम कम हो जाते हैं, और ये तितली कितनी सुंदर आ रही है इन फूलों पे, और फोर्थ टाइम जो है फिर एक प्याज जब आप लगाते हैं तो उस पर 3, 4 या 5 तक छोटे छोटे प्याज निकल आते हैं, और उनके साथ ही हार्वेस्ट कर लें और चटनी या सूप में इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, तड़के में इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिट्टी कैसे लेनी है? मिट्टी वही भुरभुरी जैसी खाद मिली मिट्टी ले लें, पत्तों की खाद डाल लें, चाहे गोबर की खाद मिक्स कर लें, चाहे वर्मी कंपोस्ट जो आपके पास हो वो आप कर सकते हैं। तो कुछ सस्ते में टिप्स भी दे दूं, तो ये जो बढ़िया वाले प्याज हैं वो तो 25 रुपये किलो चल रहे हैं, वो तो मैंने अपने किचन में इस्तेमाल के लिए ख़रीदे हैं, बट ये जो छोटे छोटे जैसे प्याज हैं ये 20 रुपये के 1.5 किलो, तो ये मैंने लगाने के लिए ले लिए हैं, तो इनसे खूब सारे हमारे ग्रीन्स जो हैं तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बड़े नहीं लगा सकते, आप बड़े भी लगा सकते हैं, तो ये मुझे मिल गए तो मैंने ये भी ले लिए। तो चलिए कैसे लगाने हैं, तो बहुत ही आसान है। तो ये देखिए ये निकल ही रहे हैं अपने आप ही रखे हुए। तो सबसे पहले ये टोकरी मिट्टी तो मैंने बनाई हुई है, नीचे ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, पुरानी मैंने दिखाई भी थी, और इसमें खूब अच्छे से पानी डाल लो। ये मैंने डाल दिया है, निकल गया है, मैं इसको लेके आई हूँ इस तरह से, ये गिल्ली जैसी मिट्टी, तो ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, बस पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, और मिट्टी इस तरह से खूब अच्छे से कर लो। तो एक मैं दिखाती हूँ आपको, बस कोई से भी प्याज ऐसे ले लो ये नीचे की साइड से, तो मैं कोई काटती नहीं हूँ छाटती नहीं हूँ, बस यहीं से जैसे इसको मॉइस्चर मिलेगा तो न्यू रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, और ये जो रेडी वाले ने दिए तो ये ग्रीन्स निकल रहे होंगे, उसने काट दिए हैं, तो बस ये भी साथ के साथ ही आज ही बढ़ना शुरू हो जाएंगे, बल्कि ये तो निकलना शुरू ही हो गए हैं, तो उसने काट दिए हैं, तो बस ऐसे, और ये कोई सा भी प्याज कैसे भी ले लो, चाहे बिना इसके हरे वाला ले लो, बस ऐसे साथ साथ हमने रखते जाने हैं, छोटे बड़े कोई भी ऐसे रख देने हैं, तो ये खूब सारे ग्रीन्स हमारे निकल आएंगे फिर। तो इसमें नहीं निकल रहे हैं, और बस ये देख लेना सड़ा हुआ प्याज ना हो कोई,
तो ये मैं रखती हूँ, अगर सड़ा हुआ होगा तो फिर उसमें वो प्याज सड़ जाएगा और फिर हमारी जगह भी खाली रहेगी। तो चलिए मैं इसको करती हूँ पूरा, फिर दिखाती हूँ आपको। तो मैंने ये इस तरह से ये प्याज बना के रख दिए हैं, ये बस ये इतना, क्योंकि जो तीन चार प्याज निकलते हैं ना वो ऊपर ही निकलेंगे, तो ऊपर बस ज़्यादा दबाने नहीं है, ऐसे ही ये तो दबा के भी लगाए जाते हैं तो इसमें कोई मेहनत नहीं पड़ती। तो मुझे तो ग्रीन्स चाहिए इनके, और मैंने जैसे बताया ना लास्ट टाइम फोर्थ टाइम, वो जो छोटे छोटे प्याज लगे होंगे इनके साथ ही, इसके साथ ही वो सब निकाल लेना काम आएंगे, तो बस यही सब। और इनको हल्का मॉइस्ट ही आपने रखना है, और अब इसको तेज़ धूप में नहीं रखना है, तेज़ धूप में भी रूट्स भी नहीं बनी है तो प्याज आपका ये सूख सकता है। तो रूट्स खैर थोड़ी देर में ही जैसे ये मॉइस्चर इसमें जाएगा तो इसका बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, और ये भी साथ के साथ ही निकलते रहते हैं ग्रीन्स, बहुत जल्दी ये बढ़ते हैं। तो फिर मैं आपको इसके रिजल्ट्स दूंगी, दिखाऊंगी कि किस तरह से हैं ये। और इस तरह से आप बास्केट बना सकते हैं, छोटी फैमिली है तो इकट्ठी ना बनाएं, और क्योंकि फिर इकट्ठे ग्रीन्स आपके तैयार हो जाएंगे तो आप कुछ कुछ दिनों के बाद जैसे बोला ना उस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो जब इसकी रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी, बनना शुरू हो जाएंगे, आपको लग रहा है कि चलना शुरू हो गए हैं, तो इसे फिर आप तीन चार घंटे की धूप में रख सकते हैं। साथ के साथ फिर इसके ग्रीन्स आप एक साथ हार्वेस्ट करना, और दूसरी बारी फिर वो तैयार होते जाएंगे। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।